हेलो फ्रेंड, तो हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आ गया हूँ बायोलॉजी में। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जानने वाले हैं, क्या बायोलॉजी क्लास 10th जो चौथा नंबर चैप्टर यानी फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन। इसमें हम लोग कुल टोटल आज वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे और प्रिपरेशन एग्जाम 2025 में जो पूछा जाएगा वही वाला डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आज जानने वाला। और बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है और बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और यही वाला आएगा परीक्षा में, देख लीजिए। वादा रहा आपसे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम को पास ना करके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का हम लोगों का देखिएगा, आज का हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए चलते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन पे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या बोलता है। यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहेंगे, यहाँ पर देखिएगा। तो चलिएगा आज का हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है और इसे बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम को पास न लेकर के अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा। उसके बाद दूसरा नंबर है कि, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी मैं अब ये सब क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब वीवी ऑब्जेक्टिव है और ये प्रिपरेशन 2025 में पक्का मैट्रिक की एग्जाम में पक्का है कि पूछेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा और अच्छे से दिमाग में हटा लीजिएगा, इसे रटना नहीं है। रटने से एक कहावत पाया गया है कि ठासन भोजनम पजंती नहीं और रटंत विद्या बनती नहीं, इसी ये रटना नहीं है, बस इसे दिमाग लगा के पढ़ना है। अगर आप लोग उत्सर्जन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग आंसर दे देंगे। दूसरा नंबर बोल रहा है कि माना का प्रमुख उत्सर्जक निम्नांकित में कौन है, तो ब्रिक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, यहाँ पदार्थ नहीं पदार्थ हो जाएगा, का उत्सर्जन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो अमोनिया के द्वारा, यूरिक अम्ल और यूरिया यानी डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 13 का डी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा बोल रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो गोंद भी है, टेनिन भी है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहेंगे, थोड़ा सा टेनिन भी हो जाएगा, रेजिन भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गोंद भी हो जाएगा यहाँ पे। यानी बोले तो कितना का, तो चौथा का बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, चौथा का बिल्कुल ही डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब पाँचवा देखिएगा, यहाँ पे मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित है, तो मनुष्य में ब्रिक निम्न में से कौन सा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर के क्या नाम है, उत्सर्जन, तो उत्सर्जन से ही संबंधित है। सिक्स नंबर है कि निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक में क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है, ये तो डायरेक्ट नेफ्रॉन का परिभाषा ही है। सातवां बोल रहा है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग में ऊपर आपको बताया ब्रिक है, दूसरा नंबर बताया था एट है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। उसके बाद देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। दस है कि कृत्रिम ब्रिक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी अलग करता है, तो बताइए दस का क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ए नाइट्रोजन। 11 बोल रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सीएम के बीज के आकार का होता है। 12 बोल रहा है कि नीन में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो वृष्ण को ही हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 2% होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, बट ये आप खुद से कर लीजिएगा। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर वगैरह, बहुत ही आसान है और ये भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। देखिए मानव में दो उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, एक मल हो जाएगा और एक मूत्र हो जाएगा। दूसरा है कि ब्रिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को। तीसरा बोल रहा है कि मानव में ब्रिक कौन सा कार्य करता है, तो ब्रिक कौन सा कार्य करता है, तो रक्त को साफ करने में, मूत्र का निर्माण करने में। चौथा बोल रहा है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, टेनिन कहाँ रहता है, तो ब्रिक के छाल में रहता है। पांचवा बोल रहा है कि ब्रिक किस तंत्र का एक भाग है, तो ब्रिक एक उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। और ये जो मैं आपको टोटल बताया सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2025 की एग्जाम में, मैट्रिक की एग्जाम 2025 में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। और यहाँ पे टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, द एंड होता है। और आज की इस सेवा को यहीं पे समाप्त करेंगे और आशा है आपको कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं लाइव या कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप सबसे पहले देख पाएँ मेरी इस वीडियो को और जानकारी ले पाएँ कि हाँ आज क्या सीखें और क्या नहीं सीखें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और बहुत ही अच्छे अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे बेहतरीन के साथ मिलते हैं। तो अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।